हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल उस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स उठ रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन मैसेजेस दें, प्लीज डिवाइन केयर मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स, देन वी हैव पेज ऑफ सोड्स, ओके द फूल, ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम एनर्जी इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोरिक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सभी जोरिक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, तो सभी जोरिक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए, वन सेकेंड। ओके, सबसे पहले यहाँ पर स्टार की एनर्जीज हैं विद किंग ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे आपके पार्टनर की जो सराउंडिंग्स है ना, वो बहुत नेगेटिव नजर आ रही हैं। ओके, सबसे पहले ये एनर्जी है जहां पर इनकी सराउंडिंग्स बहुत नेगेटिव है। मे बी इनके आसपास बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। ये इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये कोई इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, मे बी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज हो सकती हैं अपनी फैमिली को लेकर या किसी को लेकर, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। स्टार की एनर्जी सबसे पहले है, लेट्स चेक आउट स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं स्टार की एनर्जीज यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। स्टार की एनर्जीज को इनर वॉइस ओके क्लैरिफाई कर रहा है। यस डेफिनेटली, स्टार की एनर्जी को इनर वॉइस क्लैरिफाई कर रहा है, यानी इनका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन इनके आसपास जो लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये पर्सन कंफ्यूज हैं कि ये अपने दिल की सुने, अपने इनर वॉइस की सुने, या फिर उन लोगों की सुने जो इनके आसपास बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। इनके आसपास लोगों ने बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज हैं, कहा जा रहा है इन्हें कि ये आपके साथ रिश्ता ना रखें, कहा जा रहा है इन्हें कि ये आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें। ओके, तो ये पर्सन के आसपास बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है, इनके सराउंडिंग्स में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है। स्ट्रगल्स फेस करते हुए यहाँ पर ये पर्सन नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर भी आप इनकी एनर्जीज को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितने परेशान नजर आ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये जो चाहते हैं ना, ये वो कर नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये एनर्जी है जो ये अपने दिल से जो चाह रहे हैं ना, जो इनकी इनर वॉइस इन्हें कह रही है, वो ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप दोनों में काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी गैप मुझे दिख रहा है। मे बी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेपरेशन की एनर्जी है, तो काफ़ी गैप मुझे क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच में, एक वॉल क्रिएट हो चुकी है आप दोनों के बीच में, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यस, कुछ तो बाउंड्रीज यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी हैं। ये बाउंड्रीज हो सकता है कि किसी ने क्रिएट करी हैं, किसी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुई हैं, या ये बाउंड्रीज किसी गलत फहमियों की वजह से भी हो सकती हैं। बट हाँ, इतना तो फॉर श्योर है कि ये पर्सन जो चाह रहे हैं, जो इनके इनर वॉइस इन्हें कह रही है ना, ये उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन पा रहे हैं, अपने इनर वॉइस की सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये कुछ करेंगे, यू नो, ये इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर ये एक्शन लेंगे, और वो भी बहुत होप्स के साथ, वो भी आगे देखते हैं।
किंग ऑफ वैन की एनर्जी, यहाँ क्या क्लैरिफाई कर रही है, वैन की एनर्जी है, फायर एनर्जीज हैं, कॉम्प्रोमाइज, इन्हें पता है कि आप इनसे गुस्सा हो, इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज हो, यू नो, जब ये एक बहुत मे बी इट्स अ ह्यूमन नेचर के जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं या किसी चीज से बहुत परेशान होते हैं, चीज पर जब हमारा कोई बस नहीं चल रहा होता है ना, आप उसी सिचुएशन में हो जहां पर आपका बस ही नहीं चल रहा, आपका कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पर, है ना, सो आप चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है ना किसी चीज पर, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। सो यस, आप चुप हो चुके हो, आप साइलेंट हो, आप इस फायर की एनर्जी में हो जहां आपके अंदर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, लेकिन वो गुस्सा और नाराजगी आपने अपने अंदर ही दबा दी है। आप उस गुस्से और नाराजगी को किसी को नहीं दिखा रहे हो, अपने पार्टनर तक को नहीं दिखा रहे हो, और आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप नाराज हो अपने पार्टनर से, मे बी उनके एक्शंस की वजह से, मे बी उनके बिहेवियर की वजह से आप नाराज हो उनसे, लेकिन आप कोई नाराजगी, कोई गुस्सा आप उन्हें नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सेकेंड यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितने इमोशंस हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको आपकी डीपीज चेक करते हैं, आपके स्टेटस चेकआउट करते हैं, लेकिन आपको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें जैसे ही आपके सामने ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई इन्हें तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये आपको स्टॉक ही नहीं करते हैं, आपको स्पाई नहीं करते हैं, आपको भी ये प्रिटेंड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है, आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है इनका, ये ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि पेज ऑफ सोर्ट्स, रियलिटी ये है कि आपको पूरा पूरे नोटिस कर रहे हैं, पूरी नजर आपके ऊपर रखी हुई है, आप क्या डीपी लगा रखी है, आपने क्या स्टेटस लगा रखे हैं। अगर ये अपनी रियल आईडी से भी आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं ना, तो ये अपनी फेक आईडी से हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, बट यस, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ये जरूर स्टॉक कर रहे हैं आपको। और ये स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपको? क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, इनकी सोच में, इनके थॉट्स में आप हो, ये आपको स्टॉक करे बिना नहीं रह सकते। ओके, सो ये इसलिए स्टॉक कर रहे हैं आपको। हाँ, प्रिटेंड जो मर्जी करें, आपको प्रिटेंड जानबूझकर हो सकता है कर रहे हैं कि नहीं जानते कुछ आपके बारे में, बट रियलिटी तो नहीं है ना। ये फूल की एनर्जी निकल कर आ रही है विद ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, ये जो पर्सन है ना, मैं जहां तक ही देख पा रही हूँ ना, बाउंड्रीज, मैंने कहा ना कि बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, एक वॉल क्रिएट हो चुकी है, गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप दोनों ने बात नहीं करी है, मोर देन 8 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 8 मंथ से ज्यादा एक दूसरे से अभी बात, 8 मंथ पहले हो सकता है कि आपकी बात हुई हो, लेकिन 8 मंथ्स या 8 वीक्स हो सकते हैं कि आपके ब्रेकअप या आपके सेपरेशन को हो चुका है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर एक गैप आ गया है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन खुश नहीं है, आपके पर्सन अनहैप्पी नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है उन्हें, लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है, जैसे जैसे आप उन्हें छोड़कर चले गए ना, और उसकी एक उदासी उनको फील हो रही है, चाहे ये खुद आपको छोड़कर गए हैं, लेकिन इनको महसूस हो रहा है जैसे आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि जब ये आपको देख रहे हैं ना, तो आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो जब ये देख रहे हैं ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो यस, वो चीज़ इनको अनहैप्पी कर रही है, वो चीज़ इनको अकेलापन महसूस करवा रही है, उन्हें लग रहा है कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो ये पर्सन इस समय अनहैप्पी हैं, सैड एनर्जीज इनकी नज़र आ रही हैं, और ये इन गैप्स को जैसे फिल करना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, उन डिफरेंसेस को ये ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है इस चीज़ का कि वो आपके साथ खुश थे, आपके साथ वो खुश थे, खुश रह सकते थे आपके साथ, ये डिवाइन कनेक्शन था, डिवाइन ने आपको उनके लिए भेजा था, लेकिन वो आपकी भी वोर्थ, आपकी भी वैल्यू को नहीं समझ पाए। अब ये स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, फूल की एनर्जी यही बता रही है। अभी तक ये स्टेबल माइंडसेट में भी नहीं थे, बट यस, अब ये स्टेबल माइंडसेट में भी आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं इनके अंदर, बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर।
जहां ये अपनी गलतियां मान रहे हैं, जहां इनको पछतावा हो रहा है कि क्या करके गए हैं इस रिलेशनशिप में, ये अपनी गलतियां मानते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं. सो यस, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस उनके अंदर आए हैं. अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी मैं और देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत एटीट्यूड दिखा कर गए हैं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर कर, एटीट्यूड ईगो दिखाकर तो गए. अब ये पता है क्या होप कर रहे हैं, अब ये होप कर रहे हैं कि काश अगर ये आपके पास आए ना और आपसे बात करें, तो ऐसा ना हो कि आप इन्हें एटीट्यूड दिखाओ या आप इन्हें इन्हें कुछ ऐसा कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए. तो ये नहीं चाहते हैं कि आप अब इन्हें एटीट्यूड दिखाओ, ये चाहते हैं कि अगर ये आकर आपसे बात करें ना, तो आप इनकी बात का सही से रिप्लाई करो, आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई करो और इन्हें इग्नोर ना करो और इन्हें कोई एटीट्यूड ना दिखाओ. तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अगर नेक्स्ट एक्शन भी लेने वाले हैं ना, तो ये बहुत होपफुल होकर एक नेक्स्ट एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव जो आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है. ओके, सो यस, ये चाह रहे हैं कि अगर ये आपको कॉल करे, मैसेज करें, तो आप इनसे बात करो, आप इनकी कॉल मैसेज को इग्नोर ना करो, आप इनसे इनको एटीट्यूड ना दिखाओ. इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास बहुत ऑप्शंस है ना, क्योंकि इन्हें इन्हें पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, मे बी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, लुक्स वाइज बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड भी हैं. ओके, और इन्हें पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ये आपसे लिटरली यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि आप किसी और ऑप्शन की तरफ मत जाना, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें ही चुनना, इन्हें ही चूज करना, ये ऐसा आपको कहना चाहते हो जैसे. ओके, सो ये जानते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, और जिस तरीके से आपका ऑरा वाइब्स इन दिनों इनको दिख रहा है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं. सो यस, ये नहीं चाहते कि आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाओ, और अगर आप इनको ज़रा भी ये चीज़ शो कर रहे हो ना कि आप किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो या किसी और से बातें कर रहे हो, तो यस, वो चीज़ भी इनको बहुत फ़र्क डाल रही है, उस चीज का बहुत फर्क पड़ रहा है आपके पार्टनर पर. मतलब ये पर्सन बहुत जेलस, इनसिक्योर हो रहे हैं उन चीजों से, और ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान भी दो या मूव ऑन करो या आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. नहीं, ये बस इतना चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़े रहो, इनके साथ कनेक्टेड रहो. ये नहीं चाहते कि आप जरा भी मूव ऑन कर जाओ या आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में. इन्हें लगता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो वो नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में और इनको भूल जाओ. जबकि बहुत बार हो सकता है कि इन्होंने आपको कहा हो कि भाई मुझे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, लेकिन नहीं, ये दिल से नहीं चाहते हैं ये चीजें. नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं नाइट ऑफ कप में, देखते हैं क्या ऑफर कर रहे हैं. ओके, अपने आप कार्ड आया है. हो ग्रेट पॉसिबिलिटी, मैंने कहा ना दोबारा होप्स नजर आ रही है. मतलब अभी अगर अभी तक अगर आपके पार्टनर को ये चीज लग रही थी या इस चीज की उम्मीद थी ना कि वो आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कोई ऑफर देंगे, तो आप उन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे. तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब उनके अंदर बहुत होप्स आ रही हैं, पॉसिबिलिटी, यानी उनके अंदर बहुत होप्स देख रही हूँ. एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ, जहां पर उन्हें लगता है कि अगर अब वो आपसे बात करेंगे ना, तो यस, आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो. ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक श्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिख रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट अप कर सकते हो. तो यस, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने के लिए, हायर कमिटमेंट, कोई रिलायबल ऑफर, मैरिज, एंगेजमेंट, कोई भी ऐसा ऑफर जो आप बहुत लंबे समय से उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके, सो यस, ये कुछ ऑफर भी आपको करना चाहते हैं. ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ और बहुत ही होपफुल एनर्जी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं. क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है रीबर्थ. वाओ गाइस, मतलब आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आ रही हैं गाइस, सीरियसली ग्रेट. अभी तक ये पर्सन देखो एक रीबर्थ हुआ है इनके अंदर. अब यहाँ पर देखिए ना कैसे कार्ड जा रहे हैं आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, यानी एक नया जन्म, है ना, एक नया पर्सन. आप अब इनको देखोगे ना, तो ये पहले जैसे नहीं रहे हैं. ठीक, इन्होंने बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत नार्सिज्म इस रिलेशनशिप में दिखाया है, बहुत कंट्रोल करा है आपको, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब नहीं, अब और नहीं, इनका एक नया जन्म इनका हो चुका है. आप इनके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, मतलब इतना फर्क देखोगे आप इनमें, जितना एक जमीन आसमान में फर्क होता ना, इतना चेंज आ चुका है इनके अंदर. क्योंकि ये क्यों चेंज आया है, क्योंकि ये ना ये चीज समझ चुके हैं कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो.
आपके लव में एक प्योरिटी है, आप केयरिंग हो, आप इनोसेंट हो, आप काइंड हो, ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इसलिए उनके अंदर इतना बदलाव आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना ख्याल उनका, इतना प्यार उन्हें और कोई नहीं दे सकता। और अब वो आपको कोई एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो पूरे तरीके से आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ चुके हैं। ओके, सो ये एक नया जन्म आपके पार्टनर का हुआ है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर एन इजी प्रोसेस, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ तो यानी ऐसा घटित हुआ है, कुछ तो ऐसा घटित हुआ है ना, जो इनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, पॉइंट राइट। सो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई करिए, रिसेप्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं थे आपके पार्टनर, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल के लिए देखते हैं बॉटम एनर्जीज कौन सी है, इनोसेंस, ओके ग्रेट। सो यस, ये अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में थे आपके पार्टनर, ये भाग रहे थे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, ये भाग रहे थे, ये फ्री रहना चाहते थे, फ्रीडम में बिल्कुल, है ना। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि देखो, जो आपके हिस्से का कर्मा है ना, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है, कैसा भी हो जाए। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनकी किस्मत में है, इनकी डेस्टिनी में है, तो वो तो इन्हें उठानी ही पड़ेगी। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अभी तक अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपकी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, तो नहीं, अब ये और नहीं भागेंगे। ओके, अब ये सामना करना चाहते हैं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा पता है किस चीज का रिग्रेट है, इन्हें सबसे ज्यादा इस चीज का रिग्रेट है कि इन्होंने ना कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने। मतलब ये आप बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेस करा आपने अपने पार्टनर को, आप जो भी फील करते थे आप एक्सप्रेस करते थे, यू आर एक्सप्रेसिव, बट आपके पार्टनर का मे बी हर्ट चक्र ब्लॉक था, वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते, उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करा अपनी फीलिंग्स को, जब मौका था, जब वक्त था, तो भी वो एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। और इन्हें ना सबसे ज्यादा इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जब मौका था ना तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए क्या है? उन्हें लगता है वो आपको कभी जता ही नहीं पाए कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा अपने आपको, है ना, कभी अपने आपको शो ही नहीं करा कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, कभी आपको बताया ही नहीं कि उनके उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस के बारे में कभी आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर उनको इस चीज़ का बर्डन भी है, इस चीज़ का गिल्ट भी है कि वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखा है, हमेशा हाइड कर रखा है। लेकिन अब और नहीं, उन्हें रियलाइज हो चुका है कि अब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, ताकि सामने वाला भी समझ पाए कि आपके दिल में उनके लिए क्या है। ओके, सो यस, उस चीज का रिग्रेट मैं इनके अंदर देख रही हूँ। और अब ये रिसीविंग एनर्जीज में आ रहे हैं, यानी अभी तक सिर्फ आप करते आए हो इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अब इनकी बारी है कि अब ये करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। सो यस, ये गिविंग एनर्जी में अब आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपको वो चीजें लौटाना चाहते हैं जो ये आपसे लेकर गए हैं, प्यार, केयर, है ना, वो चीजें आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद इनोसेंस, ये चीज भी महसूस कर पा रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो, बहुत इनोसेंट हो, आपका प्यार ही है जो इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है, आपका प्यार, आपके इमोशंस ही हैं जो इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहे हैं। यस, आपके इनोसेंस से बहुत अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, हाईली अट्रैक्टेड। ओके, सो लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, स्ट्रगल्स दिख रही हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ओ विथ जजमेंट, ग्रेट। स्ट्रगल्स खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे, यानी आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी अभी तक स्ट्रगल्स थी उसका दी एंड हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रगल्स खत्म हो रही हैं और एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है।
देखो दुख पहुंचाकर तो गए हैं, आपका दिल तोड़कर तो गए हैं ये पर्सन, तो खुश तो नहीं रह सकते, है ना। किसी का दिल दुखाकर कोई भी शख्स कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। और यही चीज यहाँ पर भी है, आपने इन्हें प्योर हार्ट से लव करा था तो आपका दिल दुखाकर ये भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। सो यस, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में ना आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, बट नाउ इट इज अ टाइम कि आपकी वो स्ट्रगल्स अब खत्म होने वाली हैं। तो आपकी लव लाइफ से स्ट्रगल्स खत्म होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक नई शुरुआत में यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कुछ झूठ बोले गए हैं तो सच्चाई सामने आते हुए मैं देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पर इस पर्सन ना पास्ट में बहुत कंफ्यूज थे इस चीज के लिए कि एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली थी, या एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर कर ना थर्ड पार्टी को चूज करा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपको चूज करना चाहते हैं, ये आपको आपको चूज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि इनकी सच्ची खुशी आपके साथ है। ये ट्रूली अगर हैप्पी है ना किसी के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं, तो ये अब जो है आपको चूज करना चाहते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको टावर की एनर्जी तो दी, यानी ब्रेकअप तो दिया आपको, और आप पर ही ब्लेम डालकर गए, यानी अगर वो आपको छोड़कर जा रहे थे तो वो आपको ये कहकर गए कि वो आपको आपकी वजह से छोड़कर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो आप पर ब्लेम डालकर गए। बट अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनको अंदर से तो ये पता है ना कि गलती उनकी थी, है ना, गलतियां उन्होंने करी थी और दिल उन्होंने आपका दुखा दिया। सो ये चीज तो उनको अंदर से पता है ना, तो ये चीज भी उनको जैसे सुकून नहीं लेने दे रही है, उन्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं है इस चीज का कि उन्होंने आपको अपसेट कर दिया, आपका दिल दुखा दिया। तो यस, ये कोई डिसीजन ऐसा लेते हुए दिख रहे हैं, जजमेंट की एनर्जी है टावर के बाद ही जो कि दिखा रही है कि कोई ऐसा डिसीजन तो आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं जहां पर वो अब आपको चुनना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के एवेज में, यानी किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन के कंपैरिजन में ये पर्सन अब जैसे आपको चुनना चाहते हैं, अब इनके लिए आप प्रायोरिटी हो, आप स्पेशल हो, इनके लिए मेन पर्सन बन चुके हो आप इनकी लाइफ के। ये स्टेबल होते जा रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। पेंटिकल की एनर्जीज हैं जो स्टेबिलिटी दिखा रही है मुझे, और आपके साथ ये एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, ये आपके साथ बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं मे बी फ्यूचर को लेकर, कि आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, आप दोनों एक घर में रहोगे, ठीक है। सो यस, ये मे बी कुछ ड्रीम्स भी देख रहे हैं आपको लेकर, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेट, लेट्स चेक मोर प्लीज। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव नेक्स्ट इज एस ऑफ सोड्स, द जजमेंट। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, High Priestess, Page of Swords and Bottom is Seven of Cups. किसी तरीके की confusion से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आपके partner, ठीक है। कुछ तो था past में, किसी चीज को लेकर तो बहुत confused थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ family या third party हो सकती है। तो yes, confusions तो रही हैं, उस confusion से बाहर निकलकर एक फैसला लेना चाहते हैं ये person आपकी तरफ आगे बढ़ने का। ओके, सो यस, ये एक फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि आपकी तरफ बढ़े। इनकी फैमिली में बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे अगेन, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो इनकी फैमिली या तो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, या फिर इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये लव मैरिज करें, इनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वही सेम एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि इनके घर में ना मुझे बहुत फाइट्स, कलेश मचते हुए नजर आ रहे हैं, फाइट्स होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है कोई इनसे लड़ रहा है, हो सकता है कोई इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, हो सकता है कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और बट किसी ही वजह से तो ये रुके पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इन्होंने आपको भी ना बहुत, अगर कुछ रीजंस दिए हैं आपसे दूर जाने के, तो वो रीजंस भी वैलिड नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री रीजंस नहीं है। आपको लगता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया, अपनी फैमिली के दबाव में आकर आपसे अलग हो गए और आपसे बिल्कुल बात बंद कर दी। लेकिन रियलिटी अगर देखी जाना तो यस, इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज चलते हुए नजर आ रहे हैं।
ओके बट ये फैसला लेते हुए भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये अब एक फैसला ले लेना चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का। आपको भी होपफुल रहना है, आपको भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप होपफुल रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतना आपके पार्टनर भी होपफुल और पॉजिटिव रहेंगे। ओके सो इट इज रिक्वायर्ड कि आप भी होपफुल रहो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो। आपको भी अगर ये पर्सन आपसे आपको अप्रोच करते हैं, पहली चीज तो ये आपको खुद इन्हें अप्रोच नहीं करना है, लेकिन अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो तब आपने इनके मैसेज, इनके कॉल का रिप्लाई करना है। पता है यहाँ पर मैं एक एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। अगर इनका कॉल या मैसेज आएगा ना, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि पता नहीं मैं इसके कॉल को पिक करूं या नहीं करूं, मैसेज का रिप्लाई दूं या नहीं दूं, जबकि आपके मन बहुत होगा कि आप इनके कॉल या मैसेज को करो, रिप्लाई करो उन चीजों का, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं आपको उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो यस, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट आपको जरूर उनके कॉल मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए कि एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर सुनना चाहिए, लेकिन पहला अप्रोच आपके पार्टनर का ही होना चाहिए। अगर आप उन्हें अप्रोच कर लोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि आपके पार्टनर ना जो लेसन्स उन्हें मिल रहे हैं वो अपने लेसन्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू जो उन्हें समझनी चाहिए वो समझनी जरूरी है उनके लिए। अगर आप खुद उन्हें कॉल मैसेज कर दोगे तो उन्हें फिर वो उस लेसन्स को पूरा नहीं समझ पाएंगे, वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। सो इसलिए लेट देम रिप्लाई। लेकिन अगर वो आपको कॉल मैसेज करते हैं, चूंकि मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए तो नेक्स्ट 7 days की एनर्जी है कि नेक्स्ट 7 days के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल कर दें, तो बिल्कुल नेक्स्ट 7 days में ये स्ट्रांग चांसेस हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। इनका मन हो रहा है कि जैसे ये आपके साथ बैठे, रोए, आपसे बातें करें, अपना दिल हल्का करें आपसे बात कर कर, आपकी आवाज़ सुने, तो काफ़ी इमोशनल ये पर्सन फील कर रहे हैं इस समय भी, अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो यस, अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर इनसे बात करें, ये प्योर ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेकर। ओके चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं यू आर माई सोलमेट, वो एहसास कर चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, वो आना चाहते हैं, आपके दुख दर्द मिटाना चाहते हैं, जो भी दुख उन्होंने आपको दिया है ना उसे वो मिटाना चाहते हैं। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। ये बहुत गिल्टी हैं, जैसा भी आपके साथ बर्ताव करके गए हैं, जैसे भी आपको ट्रीट करके गए हैं उन चीज़ों का, ये अपने आंसू छुपा रहे हैं अपनी स्माइल के पीछे। तो अगर हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं है। आप बहुत बदल चुके हैं, उनको ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि आप बहुत चेंज आ गया अब आप में, और जब वो आपसे मिलते हैं ना, जब से वो आपसे मिले हैं तब से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। वो आपसे यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ, राइट। सो यस, ये कुछ उनके मैसेजेस हैं, एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई होगी। ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड डू टेक केयर।